हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नेचुरल ब्यूटी हेयर रिम। मैं सीमा, आज मैं आप लोग के लिए शेयर कर रही हूँ समर स्पेशल फेस वाइटनिंग ब्राइटनिंग टाइटनिंग इफेक्ट के लिए। बहुत टाइम से मेरी एक सब्सक्राइबर रिक्वेस्ट करती है, दीदी मेरी जो नेक है, जो हमारे फेस हैं, बहुत ज़्यादा डार्क हो रहा है, आप कुछ ऐसा बताइए। तो सबसे पहले जो हमारा स्टेप है वो है हमारा क्लिनजिंग। तो हमने यहाँ पर क्लिनजिंग बनाने के लिए लिया है एक आपका बाउल, और उसमें डाल दिया है आपकी दही, सबसे अच्छी गाढ़ी दही, घर की दही यूज़ करनी है आपको, ठीक है। उसके बाद से मैं इसमें डाल रही हूँ आंबा हल्दी, वाइल्ड टर्मरिक आंबा हल्दी आप ले सकते हो। आपको किचन की हल्दी यूज़ नहीं करना है, क्योंकि किचन की हल्दी यूज़ करने से आपके फेस पे कालापन आ जाएगा, और इसीलिए हमें यहाँ पर कच्ची हल्दी यानी कि आंबा हल्दी यूज़ करना है, ठीक है। इसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा है, मैं खुद भी पर्सनली यूज़ करती हूँ। नेक्स्ट यहाँ पर हम लेंगे रोज़ वाटर, क्योंकि क्लिनजिंग मिल्क हमारा जो फेस को क्लीन करने का काम होता है, लैक्टिक एसिड होता है हमारे दही में, जो कि हमारे स्किन में वाइटनिंग का इफेक्ट करता है, और हमारा जो हल्दी होता है टर्मरिक पाउडर वो एंटीबायोटिक होता है, एंटी फंगल होता है, आपके स्किन को बहुत ही अच्छे तरीके से क्लीन करने का काम करता है। जब आपकी स्किन क्लीन रहेगी तो आपके फेस पे कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती, ना तो मुहासे हो सकते हैं, ना को ही आपके फेस पे दाग धब्बे होंगे, ना ही कोई स्पॉट्स पड़ेंगे, ठीक है। समर स्पेशल है इसलिए हम यहाँ पर दही का यूज़ कर रहे हैं। इसका रिजल्ट्स बहुत अच्छा है, आप 7 डेज़ को कीजिएगा। नेक्स्ट 7 डे बाद मैं आप लोग के साथ में एक नया रेसिपी, नया रेमेडी और शेयर करूँगी, तो आप लोगों को इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी। हमारा क्लिनजिंग मिल्क जो है बन के रेडी है, तो इससे हमें फेस पे क्लिनजिंग करनी है, ठीक है। नेक्स्ट प्रोसेस में हम चलेंगे तो हमारा जो है वो मॉइस्चराइज़र, क्योंकि हमें पूरे फेस की क्लीनिंग के बाद मॉइस्चराइज़र लगाना बहुत ज़रूरी है। तो हमारा जो फर्स्ट स्टेप होता है क्लिनजिंग होता है, और सेकेंड स्टेप है हमारा मास्क। तो मास्क मैं आप लोग को बाद में दिखाऊंगी, तो पहले मैं यहाँ पर रेडी कर रही हूँ आपका मॉइस्चराइज़र। इस स्टेप्स के बाद में, इस फेशियल को करने के बाद से, या फिर आप समझ लीजिए फेस केयर करने के बाद से, स्किन केयर करने के बाद से हमें मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाना चाहिए। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है सबसे पहले आपका एलोवेरा जेल। आप घर का लेंगे तो वो इतना अच्छा नहीं आएगा, बनेगा नहीं, क्योंकि हमें इसको स्टोर करके रखना है, और 7 डे 15 डेज़ चैलेंज है ये। तो आप इसको 15 दिन बनाकर रख लीजिए, या फिर 7 दिन बनाकर रखिए, 7 दिन बाद फिर आप नया बना लीजिए। नेक्स्ट मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ ग्रेप सीड ऑयल। अगर आपको ग्रेप सीड ऑयल नहीं मिलता है तो आप यहाँ पर ग्रेप्स यूज़ कर सकते हैं। ग्रेप्स का जो जूस होता है, आप यकीन मानिए, अगर आपने ग्रेप्स लगाना शुरू कर दिया अपने फेस पे, कॉटन पैड में आपको क्या करना है, ग्रेप्स का जूस निकालना है और उसमें एक बूंद शहद मिक्स करना है, और उसको आप अपने पूरे फेस पे लगा कर रखिए। 20 मिनट बाद ठंडे पानी से फेस धो लीजिए, बहुत ही गजब का रिजल्ट आता है। बट मैंने यहाँ पर ग्रेप सीड ऑयल ऑलरेडी मंगाया हुआ है, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। दूसरा, मैं अपने स्किन केयर में जब भी मुझे कुछ करना होता है, या मेरी फेस जो होता है बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है, तो मैं ग्रेप सीड ऑयल और एलोवेरा जेल मिक्स करके लगाती हूँ, मुझे काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। मैं अपनी पूरी बॉडी पे भी यही वाला बॉडी लोशन बनाकर लगा रही हूँ, रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। तो ग्रेप सीड ऑयल आपको नहीं मिलता है तो आप यहाँ पर ग्रेप्स का जूस ऐड कर सकते हैं, बट वो थोड़ा सा चिपचिपा हो जाएगा। इस वजह से अगर आपको लॉकडाउन में कोई प्रॉब्लम हो रही है, जैसे लगता है कि नहीं मिल रहा है, तब तक के लिए आप जूस ऐड कर लीजिए ब्राइटनिंग इफेक्ट के लिए। 20 मिनट 25 मिनट रखिए, या फिर ओवरनाइट रखिए, उसके बाद से आप वॉश कर लीजिए, इस तरीके से आप कर सकते हैं। बट अगर आप ग्रेप सीड ऑयल डालकर यूज़ करते हैं तो उससे क्या होता है कि आपको वॉश करने की ज़रूरत नहीं रहती है, बिल्कुल मॉइस्चराइज़र आपका ये घर का बना हुआ रहता है, जैसे लगता है कि मार्केट का हो, ठीक है। मैं यहाँ पर आप लोग को ऑप्शन दे रही हूँ अगर ग्रेप सीड ऑयल नहीं है तो, बट उसका रिजल्ट ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं विटामिन ई एवियन की कैप्सूल 2 और 3 चम्मच एलोवेरा जेल के साथ में, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन मैं आपको यहाँ पर ये दे रही हूँ कि अगर आपके पास विटामिन ई एवियन कैप्सूल नहीं है तो आप यहाँ पर स्वीट आलमंड ऑयल ऐड कर सकते हैं 1 चम्मच आधा चम्मच, और अगर आप ग्रेप सीड ऑयल यूज़ करते हैं तो उसमें ये होता है कि आपका ऑयली स्किन है, ड्राई स्किन है, कॉम्बिनेशन स्किन है, सभी स्किन को सूट कर जाता है, ठीक है। इसीलिए आपको मैंने यहाँ पर ग्रेप सीड ऑयल बताया है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो मॉइस्चराइज़र है वो भी बन के रेडी हो चुका है, साइड में रख देते हैं। अब हम बनाएंगे फेस मास्क, हमारा टाइटनिंग ब्राइटनिंग फेस मास्क। इस मास्क को लगाने से पहले आप पैच टेस्ट ज़रूर कर लीजिएगा। दूसरी चीज़ ये कि ये फेस मास्क लगाने के बाद आपको बोलना नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि हमें अपने फेस को बिल्कुल टाइट करना है, ऊपर की तरफ लिफ्ट करना है। तो मैंने यहाँ पर कुकुम्बर जूस लिया है, कुकुम्बर जूस आपको यहाँ पर पील के साथ में लेना है, उसका छिलका लेना है और उसके साथ में ही इसको ग्रेट करना है, और उसका जूस जो है हमारा वो निकाल लेना है, हमें पील ऑफ नहीं करना है। कुकुम्बर को हमें छीलना नहीं है और उसको अच्छी तरीके से ग्रेट कर लेना है। ग्रेट करने के बाद से इसका जो जूस है वो निकाल लेना है, और बाकी जो आपका ये जो स्ट्रैक्स बच जाते हैं कुकुम्बर ग्रेट किए हुए, इसका आप आई पैड बना सकते हो आइस पे लगाने के लिए, जिनकी आँखों के नीचे डार्क सर्कल हो रहे हैं, बस उसमें 1 चम्मच आप आलू का जूस ऐड कर दीजिएगा और 1/2 चम्मच शहद, ठीक है, कुकुम्बर जो ग्रेट किया हुआ है, और उसको आप आई पैड पर, आई पैड मार्केट में मिल जाते हैं, या फिर आप कॉटन
से आई पैड भी बना सकते हैं, ठीक है। उसके ऊपर रखकर अपनी आईज़ पे आप रख लीजिए 20 मिनट के लिए, फिर आप देखिएगा धीरे धीरे जो डार्क एरिया है रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट, यहाँ पर मैंने 3 दिन रोज़ वाटर में भिगा करके अपना फुलर अर्थ रखा है। बहुत सारे लोगों ने मेरे से पूछा कि फुलर अर्थ का पाउडर यूज़ कर सकते हैं, तो नहीं। अगर आप फुलर अर्थ का पाउडर यूज़ करते हैं तो वो हमें पता नहीं होता कि वो कितना रियल है, ठीक है। तो इसीलिए आपको फुलर अर्थ 3 दिन भीगा हुआ रखना है, भीगा हुआ लेना है, जो आपकी मतलब ब्रिक में आती हैं, ये साबुत आती हैं, ठीक है। तो आपको इस टाइप के ही लेने हैं, टुकड़ों में जो आते हैं ना वही वाले आपको लेने हैं, और इनको आप भिगो के रख दीजिए। ख़राब नहीं होते हैं, और आप चाहें तो इसका पूरा पैक बनाकर रख लीजिए। और जब आप पैक बनाकर रख लेते हैं तो इसको आप 7 दिन यूज़ कीजिए, 7 दिन बाद फिर आप नया बना लीजिए। वैसे अगर आप फ्रिज में रखते हैं तो ये 1 महीने स्टोर हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। इनको जब आपको यूज़ करना है तब आप निकालिए, उसके बाद से आप यूज़ करके फिर से आप फ्रिज में रख दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमने अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लिया है। उसके बाद हम यहाँ पर एक हैंड विस्क कर लेंगे और उससे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे, ठीक है। हमें यहाँ पर कुछ कुछ चीज़ें जो ऐड करनी है वो मैं आप लोग को बता देती हूँ। मुल्तानी मिट्टी जो होती है हमारे फेस के लिए बहुत अच्छी होती है, ठंडक देती है हमारे फेस पे, हमारे फेस पर टाइटनिंग का काम करती है, और हमारे फेस पे जो भी पिंपल्स के निशान होते हैं, दाग धब्बे होते हैं, झाइयाँ होती हैं, ब्लैमिशेस की प्रॉब्लम होती हैं, स्किन जब आपकी लूज़ होती है तब आपकी स्किन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स दिखना शुरू हो जाती हैं। जब आप स्किन आपकी स्किन जब टाइट रहेगी तो आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। बहुत सारे लोग ऐसे परेशान रहते हैं कि उनके फेस पे पिंपल हो रहे हैं, झाइयाँ हो रही हैं, फ्रिकल्स हो रहे हैं। तो इन सब चीज़ों का जो एक सही तरीका है, सही ट्रीटमेंट है, वो है अंदर से। बॉडी को अंदर से आप जितना स्वस्थ रखते हो, जितना हेल्दी रखते हो, उतनी अच्छी होती है आपकी बॉडी, आपके स्किन और आपके हेयर। आप ऊपर की लेयर में काम करते हो, बट अगर आप इंटरनली अपनी बॉडी को ठीक रखोगे, जैसे आपके कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम ना हो, आपका पेट बिल्कुल साफ़ होता हो, सबसे बेस्ट जो तरीका होता है, 2 टाइम आपको फ्रेश होने के लिए जाना चाहिए, 1 मॉर्निंग में और 1 इवनिंग में। उनको कभी कोई बीमारी होती नहीं है। नेक्स्ट, मैंने यहाँ पर 1 चम्मच शहद डाला है। शहद इसलिए डाला है क्योंकि शहद बहुत अच्छा होता है स्किन वाइटनिंग के लिए। नेक्स्ट, मैंने यहाँ पर लैक्टिक एसिड को आपके कंप्लीट करने के लिए दही डाला है। और यहाँ पर जो मैं नेक्स्ट इंग्रेडिएंट यूज़ कर रही हूँ, जीरे का पानी, इसको आपको रोज़ वाटर में भिगो कर रखना है और वो ऐड करना है। तो चलिए एप्लीकेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने जो जीरे का पानी इसलिए डाला है, जीरा जो होता है आपकी स्किन में वाइटनिंग का काम करता है। आप लोगों ने पहली बार सुना होगा कि जीरा का जो पानी होता है वो वाइटनिंग के लिए यूज़ होता है। हाँ जी, आप करके देखना, आपको रिजल्ट्स अच्छे लगेंगे। अभी आप मेरा फेस देख रहे हो, तो सबसे पहले मैंने अपने फेस पे स्टीम लिया है, ठीक है। उसके बाद से मैं यहाँ पर क्लींजिंग कर रही हूँ। स्टीम आपको टॉवल लेना है, उसको थोड़ा सा आप तवे पे पैडेट करके गर्म कर लीजिए, उसके बाद से अपने फेस पे आप लगा लीजिए, जिससे आपके फेस के जो पोर्स हैं वो खुल जाएँ, और जो आप चीज़ अप्लाई कर रहे हो, एप्लीकेशन कर रहे हो, वो आपके स्किन में, आपके पोर्स में अंदर तक जाए, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने क्लींजिंग मिल्क लिया है और उससे अच्छे से अपने पूरे फेस को क्लीन कर रही हूँ, साफ़ कर रही हूँ, और उसके बाद से इसको हम थोड़ा सा हल्के हाथों से मसाज करेंगे, ठीक है। और मसाज करेंगे जब, तो हमारा जो फेस है बिल्कुल टाइट, बिल्कुल ब्राइट होना स्टार्ट हो जाता है धीरे धीरे। आप देख सकते हो, मेरे को अभी बहुत सारी प्रॉब्लम थी, बट मेरे फेस पर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेकअप करने के बाद फेस बहुत अच्छा लगता है, या फिर मेकअप करने के बाद फेस नहीं अच्छा लगता है। तो आप इस तरीके से अपने फेस की केयर करिए। आपका फेस जब नेचुरली ग्लो करता है तो आपको मेकअप की नीड होती ही नहीं है। और हमेशा अपने फेस को आप साफ़ सुथरा करके रखिए, घर की चीज़ों से बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। नेक्स्ट, मैं यहाँ पर मास्क लगा रही हूँ अपना। तो इस मास्क को आप 2 बार यूज़ करें, और इस स्टेप्स को जो मैंने आप लोग के साथ में शेयर किया है, हफ्ते में या रोज़, हफ्ते में ना कीजिए, आप 7 डे चैलेंज खुद से लीजिए और 7 डेज आप इसको करते रहिए, कंटिन्यूटी में करते रहिए। स्किन ब्राइटनिंग, टाइटनिंग और स्किन लिफ्टिंग मास्क मैंने शेयर किया है। ये रेमेडी इतनी अच्छी है कि मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ। केवल दही में ये सारी चीज़ों को मिक्स करके हमने बनाया है, और रिजल्ट्स बहुत अच्छे इसके। अगर आपने इसको 7 दिन कर लिया सुबह शाम, आपके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे। आप करके देखिएगा, स्किन बिल्कुल चेंज हो जाएगी। एक आपको ड्रिंक बता देती हूँ, वो ये कि आपको 1 ऑरेंज लेना है, 1 आपको अनार लेना है, छोटा सा अनार लेना है, छोटा, बड़ा सा नहीं लेना है, ठीक है। और 1 चम्मच के करीब आपको उसमें शहद डालना है, और 1 पिंच के करीब आपको सिनेमम पाउडर, इसको आप ग्राइंड करके पी लीजिए, छान करके, बहुत मस्त रिज़ल्ट आएगा, ठीक है। तो चलिए मैं 20 मिनट बाद मिलती हूँ। सो गाइज, यहाँ पर 20 मिनट हो चुके हैं, फेस बहुत अच्छी तरीके से ड्राई हो चुका है, और आप देख सकते हो स्किन कितनी अच्छी लग रही है। मैं वॉश करके आती हूँ, ठीक है। तो वॉश करने के बाद से आप देख सकते हो कितना अच्छा रिज़ल्ट आ रहा है। तो अगर आप फर्स्ट एप्लीकेशन में इतना अच्छा रिज़ल्ट देख रहे हो आप, तो आप
खुद सोचिए, जब आप फर्स्ट एप्लीकेशन में इतना अच्छा रिजल्ट देख रहे हो, पास से देख लीजिए, कोई ओपन पोर्स की समस्या नहीं है, कोई फ्रिकल्स की प्रॉब्लम नहीं है, कोई झाइयाँ ब्लैमिशेस नहीं है, तो जब आप इसको अच्छे से 7 दिन कंटिन्यूटी में 2 टाइम करोगे, एक सुबह और शाम में, तो आपको कितने अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। इसको रात में सोने के पहले आप करिए, जब आप सोने जा रहे हैं तब करिए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। उसके बाद से ये मेरा मॉइस्चराइज़र जो मैंने आप लोग के साथ में शेयर किया है, इसको लगाते ही आपके फेस पे बहुत अच्छा वाइटनिंग इफेक्ट आना शुरू हो जाता है, क्योंकि ग्रेप सीड ऑयल जो होता है बहुत अच्छा होता है, बहुत कमाल का होता है। तो आप उसको ज़रूर से ज़रूर मंगाइएगा और यूज़ कीजिएगा। और आप देख सकते हैं जहाँ क्रीम नहीं लगी है वहाँ की स्किन, और जहाँ क्रीम लग चुकी है वहाँ की स्किन में कितना ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो ये हमारा समर स्पेशल स्किन केयर है जो मैं अभी कंटिन्यूटी में फॉलो कर रही हूँ। अभी आप लोग इसको कीजिए, मेरे साथ में इसका फीडबैक शेयर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर, चैनल को आप लोग बहुत सारे लोग सामने शेयर करिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है ना। तो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। इसको अच्छी तरीके से मसाज करना है, 1-2 आप स्टेप कर सकते हो, फेस एक्सरसाइज मैंने शेयर करी है, आप वो कर सकते हैं। स्किन को बहुत ही अच्छे तरीके से रखने के लिए आप चाहते हो कि आपकी स्किन 50 की एज में भी जवां रहे, निखरी रहे, बहुत अच्छी स्किन रहे आपकी, टाइट रहे, तो आप एक्सरसाइज़ कीजिए फेस की और अच्छे से अपना डाइट लीजिए, ठीक है। घर की चीज़ें ज़्यादा यूज़ कीजिए। तो बाय फ्रेंड्स, लव यू, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, बाय।